फ्रेंड्स, दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने टेंसेस में प्रेजेंट, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस पढ़ लिया था, जिसके हमने निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी देख लिए थे। अब आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं, हम उनको पहचानते कैसे, उनकी पहचान क्या होती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पहचान के लिए जिन वाक्यों में के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, आते हैं, ऐसे जिन वाक्यों में चुका है, चुकी है, आते हैं, उनसे हम समझ आते हैं कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं, हैज और हैव, और उनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ेगी। तो चलिए, इसमें हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो हम हैज और हैव को यूज करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है आगे की चीजें। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे हैज, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज करेंगे हैव। चलिए, अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, वह खा चुका है। अब जैसे यहाँ पे चुका है आ गया, हम समझ गए कि ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। चलिए, अब हम देख लेते हैं हमें इसको कैसे बनाना है। जैसा हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा था सेंटेंस का, उसी हिसाब से हमको बनाना है। तो क्या होगा, ही, अब ही है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज, और खाने के लिए क्या यूज करते हैं, ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। अब हम इसमें बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस के, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, उनमें नहीं लगा होता, जैसे वह नहीं खा चुका है या वह नहीं जा चुका है, माँ खाना नहीं बना चुकी है, इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं वो निगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो चलिए, सबसे हम बात कर लेते हैं, हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। वह नहीं जा चुका है। अब इसमें नहीं भी आ रहा है, चुका है भी आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, बस हैज और हैव के बाद नॉट का हम यूज करते हैं। कैसा स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस, इसमें भी हम v3 यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म v3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। वह के लिए हम लिखेंगे ही, अगर यहाँ पे चुकी है ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी हैज नॉट गो वेंट गॉन, तो क्या होगी थर्ड फॉर्म इसकी, गॉन। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। फ्रेंड्स, आपके ग्रामर में टेंसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने लास्ट ईयर के एग्जाम्स पेपर देखे हैं, तो उसमें चाहे भले ही वो यूपी डेट प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो, टेंसेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। फिर इसी के बेस पे हम आगे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको पहले भी बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन ही पूछा जाता है, क्वेश्चन की तरीके से ही पूछा जाता है। अब जैसे क्या, हमने अभी जो एग्जांपल दिया था उसी के थ्रू देख लेते हैं। क्या वह
स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें हम हैज और हैव, मतलब जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब या हम कह लें ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, उनको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कैसे बनेगा, हैज ही गॉन। तो इस तरीके से हमारा बन गया इंटरोगेटिव। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव के साथ में नहीं भी दिया हुआ है, तो इस तरीके के सेंटेंस भी काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें नहीं भी दिया हुआ है, तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो तो इसमें भी हैज और हैव को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, इसमें हैज और हैव के बाद नॉट हम का यूज नहीं करते, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, प्लस नॉट प्लस V3 और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा कैसे बनेगा, हैज ही नॉट गॉन। इसी तरीके से अगर हम WH फैमिली की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या आता है, अगर हमारा क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना होके बीच में दिया होता है, मान लीजिए अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है वह क्या, या फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं वे क्या कर चुके हैं, तो इसके ऐसे सेंटेंसेस से अगर हम स्ट्रक्चर के सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले WH फैमिली मतलब हुम हु इस टाइप वाले जो वर्ड्स आते हैं वो उनको हम लेते हैं। अब जैसे क्या की इंग्लिश क्या होती है, वर्ड, तो इसमें हम क्या कैसे करते हैं, सबसे पहले WH वाली फैमिली लिखते हैं प्लस, अब हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब चलिए अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, तो पहले क्या की मीनिंग क्या होता है, व्हाट, तो क्या होगा यहाँ पे व्हाट हैज, नहीं सॉरी वे दिया गया है तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा दे, व्हाट हैव, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे दे, और करने के लिए मतलब अगर किसी काम को करने की बात करते हैं तो उसके लिए हम डू लगाते हैं, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट के सभी तरीके के सभी टाइप्स के टेंस देख चुके हैं, और हाँ मैंने आपको बताया कि इसमें यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था एग्जाम में आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, हो सकता है सबके सेंटेंस उन्होंने सही बनाए हों लेकिन पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया होगा, इन मार्क्स कट जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।